दुमका पुलिस को बीते दिन सबसे बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ठग जालसाज 420 पुलिस गिरफ्त में आया है, जो खंडवा में रहकर अन्य राज्यों में नियुक्तियां देना, फर्जी आदेश निकालना, यहां तक कि सीबीआई का पुलिस अधीक्षक बनकर लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं को गुमराह करता था। और इसने लगभग 200 से अधिक फर्जी नियुक्तियां, आदेश निकाल चुके हैं। पत्रकारों से चर्चा के दौरान खंडवा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने कहा कि सूचना प्राप्त होने पर हमने स्थानीय सुभाष नगर स्थित निवास पर नगर थाना पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी अनिरुद्ध मोंटेकर के घर दबिश दी। यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ, उसके पास से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिससे यह पता चलता है कि आरोपी ने पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से अपने नेटवर्क को बिछाकर लोगों को गुमराह कर फर्जी नियुक्तियों के आदेश देता था। फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर और अपने आप को वरिष्ठ नेताओं से खुद की मजबूत पकड़ होना बताता था। एक दर्जन से अधिक फर्जी सील जिसमें महाराष्ट्र से बनवाई और खंडवा से सीले बनाई है, इसकी भी जांच की जा रही है। कहां कहां आदेश निकाले हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपी निरुद्ध मोंटेकर पढ़ा लिखा इंजीनियर युवक है और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सुभाष नगर से पूरा नेटवर्क चलाता था। आरोपी द्वारा फर्जी जिला न्यायाधीश बनकर बुरहानपुर के एक व्यक्ति की जेल से रिहाई के आदेश भी निकाले हैं। खंडवा का भी ऐसा ही मामला है, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपी अपने आप को महाराष्ट्र सरकार का नेता प्रतिपक्ष बताता था। इसके घर पर बड़े बड़े नेताओं की फोटो लगी हुई है, जिसके साथ खुद को और अपने आप को नेता का रिश्तेदार बताता था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उन आरोपियों की भी तलाश की जा रही है जिनके द्वारा यह मिलकर काम करता था। यह आरोपी कभी कांग्रेस का नेता, तो कभी बीजेपी का नेता, तो कभी महाराष्ट्र का नेता, तो कभी अधिकारी सीबीआई का पुलिस अधीक्षक बताता था। आरोपी के पास से काफी चीजें बरामद हुई है। वह घर से जन सुविधा केंद्र के नाम से कार्यालय संचालित करता था। वह सीबीआई शाखा खंडवा के नाम से लोगों को मैसेज भेजता था। कंप्यूटर, लैपटॉप एक दर्जन से अधिक सभी जब्त किए गए हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस रिमांड पर भी लिया जाएगा आरोपी को और कहां कहां नियुक्तियां दी हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। ये पिछले एक दशक से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा था, यहां पर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, और जगह जगह जाकर ये लोगों को शासकीय विभागों में फर्जी नियुक्तियां दिलाने, उनके स्थानांतरण कराने, उनकी यदि कोई जांच कोई चल रही है तो उसमें उनकी मदद करने, मैं फर्जी आश्वासन देके, झांसा देके और लोगों से पैसे ऐंठता था। हमारे पास लगभग एक दर्जन शिकायतें प्राप्त हुई कि ये इस तरह से कोई आदमी है और उसने हमसे पैसे ले लिए और काम नहीं हो रहा है, तो फिर इसकी जांच पड़ताल की गई। उसके बाद समझ में आया कि इसके पास लगभग दो दर्जन फर्जी सील, स्टाम्प सील इसके पास थी, जिनका उपयोग करके ये फर्जी नियुक्ति आदेश जारी करता था और उस नियुक्ति आदेश को दिखा करके ये लोगों से पैसे वसूलता था, पैसे आता था बड़ी भारी मात्रा में। सर ये जो कैदी को भी छुड़वाया था, इसके पास एक सील मिली है जिसमें सीजेएम का स्टाम्प लगा हुआ है, उसका एक आदेश मिला है। इसके पास कई आदेश मिले हैं जिनमें इन्होंने डिफरेंट जेलों से, हमारे जिले की और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी जेलों से कैदियों को रिहाई कराने के आदेश इसने सीजेएम बन के जारी किए हैं। सर ये और भी कोई इसमें इनसे मिला हुआ है या कुछ और इसमें चीज़? इन लोगों का एक गिरोह है जिसमें ये मास्टरमाइंड है, लगभग 3-4 दोस्त लोग और हैं इसके, जो इसके साथ ही इसके ऑफिस पर काम करते हैं, सब लोग मिलकर ये काम करते हैं, लेकिन ये इसका मास्टरमाइंड है। सर अभी गिरफ्तारी सर कितने लोगों की हुई है? सिर्फ इसी की गिरफ्तारी भी हुई है, बाकी लोगों का रोल हम लोग एक बार क्या क्या बरामद इसके इनके पास से लैपटॉप बरामद किए हैं, लगभग आधा दर्जन लैपटॉप हैं, मोबाइल फोन्स हैं, स्कैनर है, प्रिंटर है इसके पास से, एक पिस्टल जब्त की है, इसके पास से वॉकी टॉकी जब्त किए हैं, इसके साथ साथ इसके पास से HHMD जो होता है, पुलिस जो यूज करती है सिक्योरिटी के लिए, वो सब चीज़ें भी जब्त की गई हैं। आदेश की कॉपियां भी जब्त की है, लगभग 200 से ज़्यादा आदेश जो इसने फर्जी हस्ताक्षर करके बनाए थे, चाहे तो वो ट्रांसफर के आदेश हैं, चाहे नियुक्ति के आदेश हैं, विभिन्न विभागों में परमिशंस की अनुज्ञप्तियाँ हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वन विभाग में, माइनिंग में परमिशंस जो देते हैं, लीज की अनुज्ञप्तियाँ हैं, फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र जो इसने बनाए हैं, फर्जी मार्कशीट्स बनाई हैं, उन सब की कॉपियाँ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमने अभी बरामद किए हैं।
इसने किस स्केल पर, कितने लार्ज स्केल पर इसने काम किया है उसकी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में इसने कितने लोगों को ठगा है, जालसाजी की है, उसकी जांच की जा रही है। इसको आज न्यायालय में पेश करके पीआर पे लिया जाएगा, पूछताछ में क्लियर होता है। इसका थोड़ा सा प्रोफाइल बता दें, इसका उम्र क्या है, कितने साल से ये काम कर रहा था, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर है और बहुत अच्छे से कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट है। ये आदमी 30 वर्षीय है और फर्जी सीबीआई ऑफिसर बता के, सीबीआई एसपी बता के और बड़े बड़े अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से अपने परिचय बता के लोगों को झांसे में लेता था, पैसे बैठता था, पैसे वसूल करता था। रुपये नाम सर, एक मिनट पूछिए भाई। सर इसका एक प्रोफाइल जो है हम लोगों ने देखा है, उसमें कई नेताओं, राजनेताओं के साथ में इसके फोटोग्राफ्स हैं। मनीष कैमरा चालू है। सर कई राजनेताओं के साथ इसके फोटोग्राफ्स है और इसके प्रोफाइल में जो है प्रतिपक्ष का नेता बताया गया है, तो वो उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है? ये अपने आप को एक बड़ा जनप्रतिनिधि भी बताता था और कई बड़े राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के साथ इसने अपने फोटोग्राफ्स ले रखे हैं उनकी। ये जब ये फर्जीवाड़ा करता था तो उनकी धौंस देता था कि मैं उनके परिचित हूँ, उनके साथ हूँ। किसी स्टेट में किसी असेंबली का मेंबर भी अपने आप को बताता था, तो उस चीज़ की भी जांच की जा रही है कि इसने कहाँ से फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं, कहाँ से फर्जी कार्ड्स बनाए हैं, सील स्टाम्प बनाए हैं। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।